केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ज्ञापन जारी कर कहा है कि समय शिखर की स्थिरता बरकरार रहनी चाहिए और केंद्र सरकार इस पर अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको दोहराती है। क्या कहने सर? देखिए, लगातार जैन धर्मावलंबियों का इस विषय पे आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, और चूंकि ये मामला झारखंड से जुड़ा हुआ था तो झारखंड की सरकार ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान भी आकृष्ट करवाने का काम कर रहा था। स्वाभाविक तौर पे मुख्यमंत्री ने इस पे संज्ञान लिया। पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को इस विषय पर पत्र भी लिखा, और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ने कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन सरकार के दबाव में जो पूर्व की अधिसूचना थी वो अधिसूचना को निरस्त किया। तो स्वाभाविक तौर पे जैन धर्मावलंबियों की जो भावनाएं थी वो भावना आहत होने से बची है, क्योंकि भारत हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हर धर्मों का आदर और सम्मान है, और यही हिंदुस्तान की, यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सारे धर्म का, भावनाओं का यहाँ ख्याल रखा जाता है। तो हम स्वाभाविक तौर पर यह कहना चाहेंगे जैन धर्मावलंबियों से भी कि उनका जो आंदोलन रहा वो आंदोलन सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचा। केंद्र की सरकार ने आपके आंदोलन से और विपक्ष की आवाज से इस अधिसूचना को निरस्त करने का काम किया है, जो स्वाभाविक तौर पर पारसनाथ को एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में महागठबंधन की सरकार काम करेगी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही मुख्यमंत्री के पत्र लिखने से पहले एक पत्र आई थी जिसमें अनुशंसा करने को बोला गया था कि राज्य सरकार जब तक अनुशंसा नहीं करती है तब तक केंद्र सरकार इस पर पहल नहीं कर सकती है। देखिए, इन्होंने पत्र लिखने में देरी क्यों की, इसका जवाब वे दे। हर की 2 घंटे के बाद ही जो मुख्यमंत्री द्वारा पत्र लिखा गया उसके 2 घंटे के बाद ही केंद्र सरकार या फिर पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस अनुशंसा को, देखिए हर चीज में झूठ सच छल प्रपंच ये भारतीय जनता पार्टी का आदत है। लगातार कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा था, तो उस वक्त केंद्र की सरकार कहां सोई हुई थी। मुनि ने भी 9 दिनों तक आवरण अनशन किया इस विषय पे, उस वक्त केंद्र की सरकार कहां थी। आप देखें कि आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपने AICC में दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा जी का भी इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो जब चौतरफा दबाव केंद्र सरकार के ऊपर पड़ने लगा तब केंद्र सरकार ने हार करके पूर्व की अधिसूचना को निरस्त करने का काम किया है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी है, इन लोग तो मौत पर भी राजनीति करने का काम करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे जैन धर्मावलंबियों की भावना को आहत पहुंचा करके फिर उस पर महरम लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं और अपना पाप महागठबंधन सरकार पर फोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद ही है।